गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी CUCET के 2022 के एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। यस, आई विल बी टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी स्पेसिफिक सिलेबस फॉर 2020 CUCET एग्जामिनेशन। गाइस, वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, बिकॉज आई रियली नीड इट गाइस। एनीवे, स्टार्टिंग विद द सिलेबस। सो गाइज, आई बी टेलिंग यू ऑल कि आपने क्लास 12th के अंदर जो पढ़ाई करी है उसमें आपको थोड़ा सा एडिड प्रिपरेशन करनी है टू प्रिपेयर फॉर योर CUCET एग्जामिनेशन। यस, जो चैप्टर्स आने वाले हैं दैट इज मोर देन व्हाट यू हैड अपीयर्ड फॉर योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। यानी कि मैं चैप्टर्स का नाम एक बार ही ले लेती हूँ आप सभी लोगों के लिए, सो दैट आपको ये समझ आ जाए कि कौन कौन से स्पेसिफिकली चैप्टर्स आ रहे हैं। यानी कि चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, साइकोलॉजी इन लाइफ, एंड एट द एंड डेवलपिंग साइकोलॉजिकल लाइफ स्किल्स, साइकोलॉजिकल स्किल्स। सो गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि आपने जो 12th के अंदर जो एग्जामिनेशन दिए थे उसमें जो आपने सिलेबस कट हो गया था, अपेरेंटली वो कट डाउन आपका CUCET एग्जामिनेशन के लिए नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू प्रिपेयर द 100% सिलेबस ऑफ योर क्लास 12th NCERT टेक्स्ट बुक। यू आर नॉट सपोज टू स्किप अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ इट गाइज, इफ यू वॉन्ट टू एक्चुअली गेट एडमिशन इन योर साइकोलॉजी BA ऑनर्स और BSc अप्लाइड साइकोलॉजी और BA अप्लाइड साइकोलॉजी, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सभी चैप्टर्स के लिए थरो हो। अलॉन्ग विद दैट गाइज, मैं एक बहुत ही क्विक यू नो लाइट थ्रो करने वाली हूँ एज टू हाउ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी। आई एम श्योर बाय नाउ आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, बट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट मेक अ वेरी क्विक ब्रीफ वीडियो ऑन दैट इज वेल। सो गाइज, पेपर जो है उसके अंदर 175 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर को आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, ये सारी लैंग्वेज में आप उन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज़ योर चॉइस टू डिसाइड एंड पिक विच लैंग्वेज यू वॉन्ट टू गिव इट ऑन। ऑफकोर्स एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होने वाला है वो MCQ बेस्ड पैटर्न होने वाला है। ये दो स्लॉट्स में डिवाइडेड होगा। आपको मिनिमम हर स्लॉट के अंदर 45 मिनट्स रूम के अंदर बैठना ही पड़ेगा। मैक्सिमम फॉर स्लॉट 1 आपको 195 मिनट्स तक आप रह सकते हैं। दैट्स द मैक्सिमम टाइम दैट यू आर परमिटेड टू राइट द स्लॉट ए एग्जामिनेशन। एंड स्लॉट बी के लिए आपको 225 मिनट्स मिलने वाले हैं। गाइज, बात की जाए कि एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, यानी कि कितने सेक्शंस होंगे, क्या होगा, वो आई एम श्योर आपको पता है, बट लेट मी अगेन थ्रो सम लाइट ऑन दैट एज वेल गाइस। सेक्शन 1A और 1B होने वाला है जिसमें क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम लैंग्वेज। सेक्शन 2 होने वाला है जिसमें कि क्वेश्चन होंगे डोमेन स्पेसिफिक। और जो सेक्शन 3 होने वाला है उसमें जनरल क्वेश्चन यानी जनरल टेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये होगा आपका CUCET का एक ओवरव्यू या एक पैटर्न आई वुड से। सो गाइस, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे यू नो यू डू एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, एंड यू गेट द एडमिशन इन योर प्रेफर्ड कॉलेज गाइस। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। Stay connected, stay tuned and keep watching my channel which is Unlock Psychology with Shweta. Quick reminder guys, अगर आपने मेरे Instagram handle को अभी तक follow नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते हैं, which is @UnlockPsychology। मैं वहाँ पे बहुत सारी updates देती रहती हूँ related to you know upcoming job opportunities or internships if I come to know any. So do follow me over there as well guys. So take care, bye bye.